जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शाहबली जी, रब एक जय साईं जी। 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है बाबिओ। जे चैनल ते पहली बारी आए हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते बैल आइकन नूं जरूर दबा लो। वह कहिंदे आ ना, कदे मत्था ना फकीरां नाल लायो, लेखां देना औखा हो जूगा। अज की गल कुछ इस प्रकार की है, इस तरह की है बाबा जी। पर ये विच एक गल है कि फकीर असल होवे ना हो, जिन्होंने कड़े पा के पीर फकीर के कड़े पा के काम पुठे सीधे करी जाते ना हो, असल फकीर की गल की गई बाबा जी। लोग बहुत फकीरी मजाक समझते दुनिया अजक ना, कड़े पा के। मैं कल एक वीडियो देख रहा सीगा, उहदे च एक नशे वेचदा सी बंदा, उहने गड़े पाए सी, एक सरदार भाजी सी उहनां ने फड़िया उहनूं कुट्टिया जंगा। हुण इहदे च उह कड़े एवें पा लैंदे लोग, उहनां दा कोई फकीरां नाल जां पीरां फकीरां नाल कोई लैणा देणा नहीं, एवें लोकां नूं नशे ते लाई जांदे। ना बदनाम फकीरी दा कह सकदे आपां, ते चलो एनी हाउ जो जिहड़ा करदा उदां ही भुगतदा बाबा जी। बस अपना ख्याल रखना कि असीं लोक दिखावे च आउणा है कि असलीयत उन्होंने दिल च वसाउणा है, बस इन्नी गल। एक गल मैं कितों सुनी है किसी बजुर्ग तो, उन्होंने ही उन्होंने जो सुनाया उस हिसाब नाल आप गल करते बाबा जी। कहिंदे एक ना, जिदा आप कह सकते कि एक फौजी सी, वड्डा अफसर सी बाबा जी। कहिंदे इसे लिए कहिंदा रब तो डरना चाहिए, रब तो डर अभिमान ना कर, शुक्र करी जा मान ना कर। ये बात सही है। सो गल करते हैं बाबा जी, पुराने बजुर्गों की सुनाई हुई कहानी है। कहिंदे कि एक ना फौजी सी, फौजियों के वड्डे अफसर सीगे, ऑफिसर होंदे ना, कोई जनरल होंदा, कोई ब्रिगेडियर होंदा, कोई कैप्टन होंदा, इदा वो बड़ा अफसर सी, वड्डे रैंक ते सी। ते वो अपने तो जिहड़े छोटे फौजी सी या जिहड़े गरीब लोग कह सकते हैं उन्होंने गालां कढ़दा सी, उन्हें रोब भी मारदा जिहड़े फौजी सी छोटे। चलो ये तो उहदा रैंक सीगा बाबा जी, वड्डा वो मार सकदा सी, आखिर अहुदे ते सी, अहुदेदार बंदा दूजे नूं कुछ कह सकदा, माड़ा चंगा ना कहे बस। पर कई वारी बंदा जिहड़ा ना वो पैसे दौलत शोहरत दे गुमान विच गलत कदम चक लैंदा बाबा जी, जिस दा उस नूं भी नुकसान, उस दे परिवार नूं भी नुकसान। क्योंकि अहंकार बंदे नूं सिवाए मौत या दुरकारी दे होर कुछ नहीं दिंदा बाबा जी। ते रब ते फकीर ये सब तो पहला हंकार ही खांदे बाबा जी, इन्हों का भोजन ही है। वह फौजी हंकारिया सी, वह कित अपने जोड़े छोटे भी फौजी से छोटे अहदे से उन्होंने नाल कि जा रहा बाबा जी। वह जितों लंघ रहा उ एक फकीर बैठा सी, ऐसी मोच सी, बस हसी जाता सी। फौजी जिहड़ा सी उत्थे रुक गया क्योंकि वह हसदा सी, उहदे वल देख के ते फौजी हंकारिया सी। फौजी उसनू कहिंदा वी तूं काते हसी जाना, कि तू सैड ते हट के बैठ। बैठा भी नुक्कर च सी पर फौजी दा हंकार सी। वह कहन लगा पर जिहड़ा फकीर मस्ती च सी बाबा जी, उसने फौजी दा कोई जवाब नहीं दिता, वह अपनी मस्ती हसी जाता सी, ऐसी मौज सी हसी जाता सी। बस फौजी नूं होर गुस्सा चढ़ गया क्योंकि जिहड़ा लोकां ते या फौजियां ते रोब मारदा सी वह नाल सी, ते हसन लग पए जिहड़े हुण जिहड़े लोकां ते ना वह फौजी रोब मारदा सी, वह भी नाल सी उहदे बंदे, वह हुण हसन लग पए वी इहदी गल नहीं सुणदा, इह इन्ना रोब मारदा, इह उहनूं भी गालां कढ़ी जांदा। जदों इदां होया उह जिहड़ा हंकारिया सी वह फौजी होर गुस्से च आया, उतरिया, उहने उस फकीर नूं बड़ा कुट्टिया बाबा जी, मारन लग पिया। पर फकीर अगों बस हसदा रहा, उहदी मौज सी, कुछ बोलिया नहीं। सारे ये देख रहे सी कि वह फकीर हसदा रहा, फौजी मारदा रहा, उहनूं लोकां ने रोकिया कि यह संत बंदा आ, पीरां फकीरां दी मौज है, इसनूं ना मार। वह हट गया पर कहन लगा मैं किसी पीर फकीर नूं नहीं मानता। ये फौजी ने आख्या, उस बंदे ने आख्या जिहड़ा हंकारिया सी, कि मैं किसी पीर फकीर नूं नहीं मानता।
मेरा बस चले तो मैं ढवा दिया जो इतने दरबार जिथे वह बैठा से थोड़ी जी दूर दरबार से बाबा मैं रब न भी नहीं मानता कहता वह फौजी ने इन्नी गल आखी। चलो ये गल हुई इस कुछ वक्त बीतया तो उस फौजी ने अपने पुत जोड़ा उन्होंने भी कह कवा के चंकी पोस्ट लवाता नौकरी से लवाता पुरानी हूँ गल से नौकरी मिली सी उन्हें भी अगों कह कवा के लवाता हूँ पुराने समय से यह कुछ चलता सी बाबा जी। चलो वह धक्का चलता सी किया बंदे तो कर लूगा पर उसके घर उस मालक के घर चुस्त चलाकियाँ तो धक्के नहीं चलते। हुण होया बाबा जी इस तरह हुण मालक ने कोई ना कोई लीला तो रचौनी सी जिसका वह फकीर से वह अपने मुलाजमान उसी थां तों लंघ रहा सी पर जिथे वह जिहड़ी जगह जिथे पीरां दी जगह सी उह सी गौसे आजम दस्तगीर ग्यारहवीं वाली पीरां दा दरबार सी उह है उजाड़ च सी जंगल च सी कोई आंदा जांदा घट सी पर वह परले पासे रोड सी उत्थों निकल रहे उन्हें देखा भी ये दरबार आ ते उस दे नाल एक छोटा मुलाजम बैठा होया सी उसे ही फौजी नाल जिहड़ा हंकारिया सी ते उह गल सुणाउण लगा कहिंदा ये मेरे पीरां दा दरबार आ ते मेरी माँ ने इत्थे सुखना सुखी है कि जदों मैं वड्डा अफसर बनिया तो मेरी माँ इत्थे चादर चढ़ा के जाएगी। ये गल सुन के वह जिहड़ा हंकारिया सी उह फौजी हसन लग पिया वह कहिंदा ये कुछ नहीं है इत्थे की है इत्थे बस कंधा ने दीवारां ने। छोटा मुलाजम कहन लगा कि सर तुसीं इदा ना कहो ये पीरां दा दरबार है साइयां दा दरबार है इदा ना कहो ये बारे थोड़ा पता घट है क्योंकि परदे च है पर इत्थे जिहड़े भी मुराद मंगी पूरी जरूर होंदी। पर बाबा जी हंकार हंकार कुछ करन नहीं दिंदा ते लीला भी रची हुई सी ओ फौजी गुस्सा करन लग्या जिहड़ा सीगा साहब उहदा वह गुस्सा करन लग पैंदा वह कहिंदा एवें दुनिया दा दिमाग खराब कोई रब नहीं इस दुनिया से चलो जे तुहानू इन्ना ही यकीन आ ते चल मेरे नाल अंदर। वह दरबार तो थोड़ा जिहा अंदर गया बाबा जी उस फौजी ने सारिया गड्डिया जो गड्डिया चो सारे फौजी उतार ले ते अंदर चलिया जाता जिते मजार सी वो तो थोड़ी जी पहला पीर के सामने ही वह अपनी यूरिन पास कर दिता बाबा जी पेशाब कर दिता कहते हैं तो कहें इतें कुछ नहीं है वह कह लग पाया बंदा ये कंधा ने इन्होंने मेरा की कर लेना इन्नी गल कह के पर ये सब देख के जिहड़ा मुलाजम सी जो मानता सी बाबे नूं वो बड़ा दुखी हुंदा हुण कह कुछ नहीं सी सकदा क्योंकि छोटे ओहदे ते सी उहने कहा भी तू चल जा उहनूं भी गुस्सा आ गया पर उहने कहा भी चला पर हुण नौकरी दा सवाल सी ते सारे जिहड़े होर भी मुलाजम सी वह भी कहन लगे कि इहदा तां दिमाग खराब सी साडे सर दा भी इहने नाल सानूं भी पापा दा भागी बना दित्ता इहनूं को भी चल इत्थों वह लै के उहनूं निकले उत्थों। वह फौजी कहिंदा मैं ये मजार ही ढवा देनी जो जान लगा उन्हें इन्नी गल भी आखी क्योंकि वह धक्के ना लैके जा रहे थे। चलो जी वो उत्थे पहुंचया जिते उन्होंने नौकरी से उत्थे जिहड़ा उन्होंने जगह बनी होंगी जिहड़ा उन्होंने घर से उत्थे पहुंचया सवेर का वक्त सी बाबा जी सजरी सवेर सी उस फौजी नूं अपने मन ते एक भार महसूस होने लग पिया जिवें मन ही भारा जिहा हो जांदा कोई आके बैठ जांदा मन ते जिद्दां इदां वह कहिंदे चीकां मारन लग पिया पागलों वर्गियां हरकतां करन लग पिया सारे फौजी मुलाजम इकट्ठे हो जाते वह फड़न की कोशिश करते पर जिहड़ा फौजी वह गालां कढ़दा रहिंदा पागलों वांगू हरकतां करता जे कोई कोल आउंदा उहनूं दंदियां नाल मारदा मतलब अपने दंदां नाल कटदा उहनूं बाइट करदा उहदे सारे जणे इकट्ठे हो के उसनूं फड़दे ने उहनूं जदों फड़िया तां उहनूं बन्न लिया उहनां नूं लगदा कि शायद ये कोई दूरा दूरा जहाँ पिया या सीजर टाइप कुछ होया या एपीलैपसी या कुछ इदा का कुछ पिया इनू दिमागी दिक्कत आ वो डॉक्टर नू बुलाते इलाज शुरू हुंदा पर विज्ञान की करे उन्हें काम ही इदा का करता ही बाबा जी उहदा इलाज करते सी पर हुंदा नहीं सी उहदा इलाज हो ही नहीं पाया कहिंदे ते वह जिहड़े छोटे मुलाजम नाल सी ना उहनां नू याद आया कि इसने उस पीर दे दरबार ते उस साईं दे दरबार ते गलत काम कीता सी ते उस नूं मंदा आख्या सी इसलिए इस नूं सज़ा मिल रही है जे कोई बीमारी हुंदी तां ठीक हो जाणी सी पागलपन इस हद तक वध गया कि उस नूं बरखास्त कर दिता गया नौकरी तों बाबा जी ते उस नूं उहदे बच्चिआं नूं सौंप दिता गया उह कहिंदे अज्ज भी जिन्हां ने गल सुणी उह कहिंदे अज्ज भी इदां ही आ
वह पागल आ, जमीन जायदाद बहुत आ, अमीर बहुत आ, पर वह चंगी थां की बजाय गंदी थां ते बैठदा, रोटी चिकड़ च रख के खांदा, जे उहनूं कोई दे जावे गालां कढ़दा। उहदे घरदिआं ने बड़ा इलाज कराया पर उहदी गल नहीं बनी बाबा जी, उहदी गल नहीं बनी। इसे लई कहिंदे आ कि कोई भी कदम चुकण तों पहलां सोचना चाहिए, और जिथे सच बैठा हो उत्थे नहीं यह काम चलते। ता ही कहिंदे चुस्त चलाकी नहीं चलती उस मालक दे दरबार, करनिया दे पैने भरने इस ही वार, जिन्हों कहने नरक या स्वर्ग भाई सब कुछ इत्थे आ। फकीरां नाल मत्था ना लाओ, इहो जिहा गलत काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे दरबार कित भी आ उजाड़ चा नहीं आ, जे वह पाक होया दरबार तो रंग दिखा दूगा। हाँ जिदा कई बार लोगों ने उदा ही ठीक है, वह अपनी जगह सही ने, पर गल यह भी वह पाक मुकदस दरबार से ग्यारहवीं वाले पीर का, वह बंदा कहें अज भी पागल आ, ठीक नहीं हो। सो दाता जी सारू चढ़ती कला च रख, मन दुरुस्ती बख्शन, तंदुरुस्ती बख्शन, योजे लोगों तो दूर रख। साईं जी सारे का भला करन। जय साईं जी की, जय बाबा महाराज शबली जी, धन धन मीरा जी, गौस पाक सरकार। जे कोई गल सुना गलती हुई माफ़ी का हकदार है। जय साईं जी की, सबनों सलाम है जी।